राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। गाड़ियों में भरे लोग, बाइक सवार जनता और उसके अलावा बसों में भर भर कर रैलियां निकालती हुए लोग, ये जनता और इस प्रकार का माहौल आपने सिर्फ भारत में ही अक्सर देखा होगा। और इन रैलियों के साथ साथ में जय श्री राम लिखे हुए झंडे और जय श्री राम के जोर जोर से लगते हुए नारे, ये नारे और इस प्रकार की रैलियां अक्सर आपने सिर्फ भारत में ही देखी या फिर सुनी होंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी इस प्रकार की रैलियां निकाली जा रही हैं। गली मोहल्ले सड़कों पर जहां देखो वहां जय श्री राम के नारों से आसमान गुंजायमान हो रखा है। लेकिन ये रैली, इस प्रकार की जो रैलियां हैं, वो सिर्फ भारत में ही नहीं होती बल्कि विदेशों में भी होती है। जी हाँ, विदेशों में भी हिंदू इस प्रकार की रैलियां कर रहे हैं और वो भी इस खास उपलक्ष्य पर, जब 22 जनवरी यानी कि आज भगवान राम की, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। और इस प्रकार की रैलियां हो भी क्यों ना, लेकिन ये क्या रैली है और क्या कुछ इसमें है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले तो ये वीडियो देख लीजिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस रैली में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी गाड़ियों में जो है वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा बाइक सवार लोग हैं, बारिश भी हो रही है, ठंड है, और उसके अलावा बसों में भी लोग भर भर कर यात्रा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और जय श्री राम के नारों के साथ ये रैली निकाली जा रही है। दरअसल ये जो दृश्य है ये अमेरिका का है और अमेरिका में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने 120 मील से ज्यादा की रैली निकाली। जी हाँ, 120 मील यानी लगभग 193 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये रैली निकाली, जिसमें बाइक सवार लोग थे, गाड़ियां थी, बसें थी, बसों में भरे हुए लोग थे और उसके अलावा एक डिजिटल ट्रक भी इसमें इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि भगवान राम की कई प्रकार की छवियां, कई प्रकार की कलाकृतियां जो है वो दर्शाई गई थी। ये जो रैली है ये सबसे पहले अमेरिका की जो सिलिकन वैली है वहां पर जाकर के ये रैली समाप्त हुई और जहां पर उसके बाद बड़ी जनसभा भी हुई, भगवान राम के जयकारे लगाए गए, अनुष्ठान किया गया, इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि कई शताब्दियों के बाद अयोध्या में रामलला अंततः विराजमान होने जा रहे हैं। उन्हीं की जन्मभूमि पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और इसको लेकर के न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी, वैश्विक विश्व में जहां जहां भी जिन जिन देशों में हिंदू फैले हुए हैं उन उन देशों में इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो किए जा रहे हैं। बीते रोज वीके न्यूज़ ने आपको बताया था कि किस प्रकार से कनाडा में भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और इसके अलावा कई अन्य देशों में भी जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं। और अब अमेरिका का आसमान भी जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है वो गाड़ियों में हैं, बाइकों में हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए रैली निकाल रहे हैं। यानी कि जोरदार वर्षा के बीच में, ठंड के बीच में, इस जबरदस्त कड़ाके की ठंड के बीच में भी 193 किलोमीटर की जो यात्रा निकाली गई है जय श्री राम के नारों को लेकर के, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके जो उपलक्ष्य में इस प्रकार की जो रैली निकाली गई है वो वाकई न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। और इसके अलावा कई अन्य देशों में भी इस प्रकार की रैलियां निकाली गई हैं और ये जो रैली थी इसके लिए बाकायदा मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया गया, लोगों ने इसके लिए रजिस्टर करवाए और बारिश और ठंड के बीच में ये रैली निकाली गई। 120 मील की ये जो रैली थी इसमें कई राम भक्तों को इसके बाद जब रैली का समापन हुआ तो उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया, इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और
जो रामचंद्र की जय के नारे हैं वो लगाए गए, और उसके अलावा कई जो और भी अनुष्ठान होते हैं वो अनुष्ठान जो है वो किए गए। यानी कि कुल मिलाकर के जो धार्मिक माहौल है वो पूरे के पूरे तरीके से सजाया गया था। इसके अलावा ब्रिटेन में भी इस तरीके का, ब्रिटेन के जितने भी हिंदू मंदिर हैं लगभग 250 मंदिर ब्रिटेन में हैं, और इस प्रकार का माहौल जो है ब्रिटेन में भी देखने को मिला था। सिलिकन वैली में ये आयोजन किया गया था, और राम की जो कई कलाकृतियाँ हैं वो डिजिटल जो ट्रक है उस पर दर्शाई गई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो वैश्विक स्तर पर अब रामलला का स्वागत किया जा रहा है, विश्व स्तर के जो तमाम जो विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू फैले हुए हैं या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले फैले हुए हैं वो लोग अब इस प्रकार के जो आयोजन है वो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम पधार रहे हैं, और इसी को लेकर के अब पूरी दुनिया जो है वो उत्साहित है, खुश है कि अंततः एक शताब्दियों का इंतज़ार, क्योंकि पीढ़ियां गुजर गई थी लेकिन रामलला के दर्शन, राम मंदिर जो है वो वहाँ पर नहीं बन पाया था, लेकिन अब जो है वो अंततः राम मंदिर बन रहा है, बनकर लगभग तैयार होने वाला है, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी पूरी होने वाली है। फिलहाल दुनिया भर में जिस प्रकार का ये जो माहौल है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।